अच्छा जोजी भाई, मुझे आप एक बात बताएं। यहाँ पर होता है जिन चढ़ गया, चुड़ैल चिमड़ गई, ये क्या है? ये क्या है? ये क्यों है ये? मतलब ऐसे ऐसे ही क्यों गए? चुड़ैल चिमड़ गई और जिन चढ़ क्या गया, आपका हमारे तो नहीं चिमड़ी कभी? आपका कोई इत्तफाक हुआ है कभी यार कि बचपन में डायन हमें आशिक हो बिल्कुल गई? नहीं, हमारे तो ऐसी नहीं, लेकिन ये जिन्नात चिमट जाना और ये सारी चीजें, इस तरह की चीजें, मतलब वो जिन्नात में भी वो फीमेल कोई जिन शयातीन होगी, कोई फीमेल मेल फीमेल दोनों है ना, शयातीन के अंदर हाँ भी भाई, तो वो हाँ फीमेल कोई वो जिन आ गया, वो तो चुड़ैल चिमट गई। नहीं चुड़ैल वुड़ैल वाला तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं, वो पिचल पैरी विचल पैरी वाला टीम, ये हाँ तो सारी पिछल पैरी, फिल्मों वाली बिल्कुल बात है, बिल्कुल। ये तो सारी फिल्मों वाली बनाई हुई बात है। लेकिन हाँ जिन्नात अलबत्ता ये मरहक के वो चढ़ जाते हैं अक्सर इंसानों के ऊपर, आ जाते हैं हाल चढ़ जाता है किसी के ऊपर। और आपके वो आपके साथ कभी ऐसा वाकया हुआ? यार मेरे को चपेट पड़ी है एक दो दफा, कहाँ, कनाडा में चपेट पड़ी है? नहीं कनाडा में नहीं पाकिस्तान में पड़ी है। कनाडा में तो जिन्नात बिजी है अपने काम धंधे के अंदर, यहाँ पे सब काम करते हैं वो, फारिग पाकिस्तान में इस तरह के सारे ऑब्वियसली वो पता नहीं का कैसे किसी कजन के घर पे थे, हम कहाँ पे थे, तो वहां पे हमें जो ना वो बैठे हुए, पहले तो पीछे ना कमर पर पटक करके पड़ा। मैंने कही, मैंने कजन को बोला, मैंने मत कर गाली बक्के उसको, मैंने देखा पीछे तो कोई भी नहीं, कजन मेरा सामने बैठा, बोले कभी किसको वगैरह कर लिया? मैंने कहा यार ये क्या सीन हुआ? अच्छा हमने इग्नोर करके हमने कहा चलो हो सकता है यार कभी कभार झटका आया था बॉडी के अंदर, आपकी स्विच हुई होगी बॉडी भाई। थोड़ी देर बाद फिर यहाँ पे सट्टा पड़ा यूं करके, मैंने कहा उस्ताद मैं तो जो आयतल कुर्सी पढ़ता हुआ था भागा हूँ पीछे से, मेरा कदम अल्लाह पीछे से अकबर। पकड़ते, वहां बोले क्या हो गया? मैंने कहा चपेटे पड़ी है भाई। वो मालूम करवाया तो जनाब वहां पे था कुछ ना कुछ, वहां पे दम करवाया, फिर ये कर करा के जो तुम्हारी जो थे जानने वाले किसी ने, वो भी कोई बाबा भी नहीं थे, वो मतलब बुजुर्ग थे हमारे खानदान में, उन्होंने फिर पुरानी तलावत तलावत कर करा के उन्होंने बोला कि कोई नहीं होगा बेचारा बेफिक्र रहो। लेकिन इस तरह के हो चुके हैं बचपन में बड़े इंसिडेंट्स हुए इस तरह के यार। गुलशन इकबाल में जगह रहते थे वहां पे, तो हमारे घर के पीछे ना एक पार्क था, उस पार्क में वो नहीं झूले जिसके ऊपर खड़े होकर लड़के झूला झूलते थे, हम जी लोग जी पाँव जी उठते, फिर पटरी तो वो लगी हुई होती, जंप जंप भी मार देते फुल भी ऋतिक। मारते थे, वो मुकाबला होता था कौन सबसे लंबी छलांग मारेगा। तो हाँ भाई रात को जो है ना 12 बजे के बाद वो झूले अपने आप चल रहे होते थे। अच्छा अच्छा, ये गुलशन में कहाँ पर? हमारी ये गुलशन इकबाल के ना उर्दू साइंस कॉलेज के सामने अपार्टमेंट था, असलम अपार्टमेंट, उसके बैक साइड पार्क हुआ करता था, तो वहां बिल्डिंग बन गई है कोई 15 साल पहले 20 साल पहले की। अच्छा तो भाई वहां पे हमारी खिड़की से रात को पार्क नजर आता था और हम देख रहे होते थे। अच्छा रात को ना झूले की आवाज भी आ रही होती थी, मनहूस पुरानी हवेली फिल्म टाइप का माहौल बना हुआ था रात को 12 बजे के बाद। अच्छा एक दिन हम तो बच्चे थे तो जल्दी सो जाते थे, तो किसी दिन जो ना रात को हम लोग, मेरा भाई और मैं फरहान जो इंग्लैंड में रहता है बड़ा भाई मेरा, हम लोग ना रात को जागे होते लूडो वूडो खेल रहे थे, क्या खेल रहे थे हम लोग, कुछ ना कुछ कर रहे होंगे बच्चों थे हम लोग। वो भाई रात को खिड़की से बाहर जाएगा तो वो झूला हिल रहा अपने आप में। अरे यार मैंने कहा यार ये कौन हिल रहा है? तो हमने अपने फोकस किया, हमने कहा नहीं देख देख अंधेरे में कोई ना कोई धक्का दे रहा होगा किसी ना किसी को, हाँ दूरबीन निकाली हमने बैठ के, हमारे दादा दादा अब दुबई गए थे तो वहां से दूरबीन लेकर आए थे हमारे लिए। वो देखा बहन झूला हिल रहा है, उसके बाद तो भाई जो भी करे थे फेंका। अच्छा बच्चे डर गए हमने, तो हमने ये चादरें खींची ने बेड में घुस गया कि गर्मी ना आ जाए। तो वहां पे अक्सर रात को जो ना वो झूला हिल रहा होता था अपने आप पे, फिर जब थोड़े बड़े हुए सोशल मीडिया का दौर आया तो पता चला भुट्टो साहब थे असल में।